ये देखिए इधर कैमरा घुमाइए आप, ये क्या बात है, आइए इधर भी दिखाइए, ये संस्कृति का रंग है, इधर दिखाइए, इधर 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 सभी लोगों को दिखाइए। ये देखिए आज जो है नालंदा न्यूज़ 24 के माध्यम से मैं एज ए एंकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, देखिए होली के रंग में रंग चुके हैं। ये देखिए बहुत मोटा भाई हमारे मोहन भाई आए हुए हैं, मोटा देखिए, और इनसे भी मोटा ये, बस खाली पेट है। हाँ बस नहीं पेट, इसका बहुत बड़ा खेत है, बड़ा छोटा सा बिल्कुल। ये और ये देखिए एमडी आसिक, नहीं ठीक है, ये देखिए ये सभी लोग ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्य हैं, और सभी लोग हम लोग भोजपुरिया समाज है सभी लोग। आइए ये एक बात ऐसा है कि आप सब आपका परिचय करा रहे हैं, आपका भी परिचय कराना। अच्छा मेरा मैं हम लोग ये मोटा है, मैं छोटा भाई, ओके। आइए मैं और भी परिचय आप लोग को भी चाहिए, इधर सॉन्ग इधर देखिए, इधर यह देखिए आप देख सकते हैं सभी लोग, ये है पंकज कैटी भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने कोरियोग्राफर। ये देखिए ये हमको देख ली, हाँ ये आराध्या श्रीवास्तव, अभी समझ में नहीं आ रहा मॉडल पहचान में, हाँ बिल्कुल। तो ये बताइए आज कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर के? हम तो कहीं पे भी जाते हैं वहाँ पे मजा आता है, मजा आता है। अच्छा ये बताइए कि आज होली के रंग में रंग के पूरे इंडस्ट्री के कलाकार यहाँ पे मौजूद थे, ठीक है? थे नहीं है सही राइट। तो ये बताइए कि कैसा लगा? बहुत मजा आया, मतलब मजा आ गया, अभी लग रहा है कि आज ही होली है, ऐसा फीलिंग आ रही है। क्या बात है, जय जो। आइए मैं और दो दो लाइन सबों से आज ये बताइए, होली की शुभकामनाएं दीजिए आप सबको। हैप्पी होली हमारे तरफ से, और बहुत मजा बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने 11 से इस 5 बजे तक। हमारा शो अब थोड़ी देर के लिए है, उसके बाद फिर खत्म होने वाला है। क्या बात है, हैप्पी होली। आइए बहुत ही पुराने गार्जियन स्वरूप सभी हम लोग के भोजपुरी समाज के सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो भी लोग प्रेजेंट हैं, सभी लोगों को हमारे पूरे भोजपुरी समाज की तरफ से हम सभी लोग उनका अभिनंदन करते हैं, हार्दिक बधाइयां देते हैं। होली का ढेर सारे मनाइए, अच्छे से मनाइए, घर परिवार के बीच रह के मनाइए, अच्छे से मनाइए, बस थोड़ा थोड़ा प्यार से। क्या क्या मतलब क्या हैप्पी होली कहना चाहेंगे? हैप्पी होली एक बार जोरदार बोलिए आप लोग। इधर देखिए, इधर देखिए सूर्या रॉक, हैप्पी होली, बहुत ही अच्छा भोजपुरी परफॉर्मर, डांसर आर्टिस्ट। नाम अरर माधव, जय श्री राम। बस यही कहेंगे, 100 में से एक बात बोलेंगे, क्या लेकर आए, क्या लेकर जाए, कभी कफन में जेब नहीं होता है, ये दुश्मन की भी होली है, एक प्यार से रंग लगाइए, बस आपस में मिलजुल कर रहिए, सभी लोग प्रेम से खेलिए। क्या बात है, हैप्पी होली। आइए आइए और भी लोगों से मैं आपको मिलाता हूँ यहाँ पे, देखिए। नहीं, डांस का मामला, डांस तो होता ही रहेगा, अब थोड़ा चांस हो जाए। देखिए आज हम लोग संस्कृति मैरिज गार्डन में है, जैसा कि नालंदा न्यूज़ 24 में अभी पढ़कर बता रहा हूँ, ये दीपक जी का चैनल है। आज मैं ऐसे तो एज ए कोरियोग्राफर आता ही हूँ, आज मैं एज ए एंकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। हमारे बीच भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने वीडियो निर्देशक, कोरियोग्राफर, बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हमारे आर्यन देव जी मौजूद हैं। सबसे पहले आपको हैप्पी होली। हैप्पी होली भाई, और बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा भाई इतना अच्छा एंकरिंग भी कर सकता है। देखिए अच्छा ये बताइए कि इस बार होली में आपके बहुत सारे गीत, आपके कोरियोग्राफ किए हुए, निर्देशित किए हुए गाने आए हैं, तो ये बताइए कौन सा गाना आपका सबसे ज़्यादा धमाल मचा रहा है? गाना बहुत सारा धमाल मचाया, लेकिन डायरेक्टर को कभी कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए मैं नाम अपने किसी भी गाने का लूंगा नहीं, क्योंकि वो प्रमोशन होगा सिंगर और कंपनी का। क्या बात है, इससे मेरा कोई बेनिफिट नहीं। वाह वाह, बहुत अच्छा ओपिनियन इन्होंने दिया, एक ज़ोरदार ताली बनती है। और चलिए कोई बात नहीं, ये बताइए कि आज आप अपने परिवार के बीच आए हुए हैं, अपने सारे ग्रुप, जो भी पुराने दोस्त यार फैमिली बोला जाए यहाँ पर, तो सुबह से होली का जश्न यहाँ पे मन रहा था, अभी तक आप 3 घंटे थे कहाँ? मैं 3 घंटे एडिटिंग टेबल पे था, थोड़ा काम कर रहा था, अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ, उसका मुझे सजा भी मिला है, बहुत सारे लोग, मेरे भाई लोग अबीर से पूरा नहला दिए हैं। अच्छा तो आप दर्शकों को और अपने भोजपुरिया समाज को क्या कहना चाहेंगे? सब लोग ऐसे ही प्यार से होली मनाते रहिए, खेलते रहिए। तो आपके तरफ से हैप्पी होली। बिल्कुल, मेरे तरफ से और इस चैनल की तरफ से जितने भी लोग देख रहे हैं, हमारे पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री, पटना इंडस्ट्री की तरफ से हैप्पी होली। क्या बात है, क्या बात है। देखिए आइए और मैं एक और एक एक, एक आइए मैं और आपको लोगों को मिलाता हूँ, और कुछ लोगों से। आइए गौर से देखिए इस शख्स को, पंकज कैटी जो भाग रहा है कैमरे की नजरों से। हेलो कमिंग, गौर से आइए, ये देखिए जिसका नाम है पंकज कैटी, और ये कैमरे की नजरों से क्यों भाग रहा है, इसके पीछे का रीजन गणेश अपना बताएंगे। नहीं नहीं मैं ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा मेरा फ्रेंड है, भाई है पंकज कैटी, और ये जो आज संस्कृति मैरिज हॉल में इतना प्यारा आयोजन होली का किया गया,
बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे नहीं आए, लेकिन जो नहीं आए उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जो नहीं आए उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, किसी के पीछे भी, चलिए उनको भी हम लोग की तरफ से हैप्पी होली। हैप्पी होली। और बताइए कि आपके भोजपुरिया समाज में जो संस्कृति मैरिज गार्डन में आगे भी इसी तरह और परिवार का प्यार दुलार और एकजुटता देखने को मिलेगी? बिल्कुल, हमारा इंडस्ट्री ऐसा है कि हम लोग हर साल एक बार ये होली मिलन समारोह करवाते हैं और सभी लोग एक साथ जितने भी दिल के गिले शिकवे हैं सब मिटा करके और हम लोग इस होली मिलन समारोह में आते हैं। तो आप अपनी ओर से हैप्पी होली एक बार कह दीजिए सभी लोगों को। बिल्कुल, हमारे सभी भोजपुरिया समाज पटना वासियों को, सभी को हमारे तरफ से हैप्पी होली। तो ये थे पंकज कैटी, आइए और कुछ लोगों से मैं आपको मिलाता हूँ। देखिए मेरे बीच है आरजे गोलू। गोलू हाँ, आइए आइए आरजे गोलू। गोलू ये हमारे बीच बहुत ही चर्चित एक्टर और बहुत ही चर्चित आर्टिस्ट हम लोग के बीच बैठे हुए हैं। आरजे गोलू प्रोडक्शन नहीं बोलेंगे आप? नहीं, ये प्रोडक्शन नहीं, आज आप एक्टर हैं। सबसे पहले आपको मेरे तरफ से हैप्पी होली। आपको भी हैप्पी होली और ये चैनल न्यूज़ नालंदा 24 को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम होली मिलन आए हैं, हमारे पूरे भोजपुरी समाज जो है पटना का, हम लोग होली मना रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि जल्दी मिल नहीं पाते हैं क्योंकि सबकी एक अपनी टीम बन रखी है और टीम के अकॉर्डिंग काम करते हैं हम लोग, तो थोड़ा व्यस्तता रहती है और ऐसे ऐसे जो माहौल होता है तो इसमें हम लोग सब एक दूसरे से मिल पाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और बस यही कहना चाहूँगा और सबको हैप्पी होली, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये मेरा भाई बैठा, क्या बात है क्या बात है। और हमारे बीच बहुत ही अच्छा एक्टर और प्रोडक्शन मैनेजर, इसके बाद मैं और भी आपको सांस्कृतिक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे भी मिलाऊंगा जहाँ पे ये आयोजन चल रही है होली का। आइए सबसे पहले, उससे पहले एक बहुत ही अच्छा एक्टर और प्रोडक्शन मैनेजर हमारे भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्रीज़ के मिस्टर तुषार यहीं पे बैठे हुए हैं। मैं जानना चाहूँगा कि कैसा लगा आज का आपको यहाँ पर का जो कार्यक्रम है? कार्यक्रम तो बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि बहुत ही कम अवसर मिलता है हम लोग को पूरे इंडस्ट्री को एकीकृत होने में, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। और हमारे न्यूज़ 24 नालंदा के जितने भी श्रोतागण हैं उनको हाथ जोड़कर मैं नमन करता हूं। और देखिए होली मिलन समारोह का एंजॉय कीजिए। तो ये थे हमारे बीच मिस्टर तुषार। आइए और भी लोग हैं यहाँ पे, देखिए ये जैसा है कि यहाँ पे सारी चीज़ें की व्यवस्था थी है। हमारे बीच ये इधर आइए चौधरी जी हैं, आशीष चौधरी, बहुत ही अच्छे वीडियो डायरेक्टर और बहुत ही अच्छा मेरा भाई है, प्यारा भाई है। मैं चाहूँगा कि आज कैसा लगा ये ऑर्गेनाइजेशन करके आपको? बहुत अच्छा, और हर साल की तरह इस साल भी होते रहेगा सारे फंक्शन, मतलब कि होली का, शिवरात्रि का, अभी शिवरात्रि का भी बोलबम का भी होगा। अच्छा क्या बात है, होली के बाद बोलबम का भी कार्यक्रम होगा, बोलबम के बाद दुर्गा पूजा, हम लोग हर साल सीजन का सारे फेस्टिवल करते हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आए उन्हें और जो नहीं आए उन्हें भी? सबको हैप्पी होली, और जितने भी नालंदा न्यूज़ को दर्शक हैं सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए थैंक यू, ये थे आशीष।